आज हम आमले से एक रेसिपी बनाएंगे जिसको एक साल तक रख सकते हैं। गटागट बोलते हैं उसे। तो इसको पहले हम उबाल लेंगे, 2 सीटी तक उबाल लेंगे। इसको अच्छे से धो लिए हैं। इसको प्रेशर कुकर में 2 सीटी लगने तक उबाल लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा पानी डालकर ही उबालेंगे। बस आधा गिलास पानी डाले हैं इसमें। इसको स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन हम उबाल रहे हैं। दो सीटी आने तक हम इसको पकने देंगे। दो सीटी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। कुकर ठंडा हो गया है। अब हम इससे आमले को निकाल लेते हैं। आमले को इसमें निकाल लेते हैं। इसका पानी पूरा निकलने देंगे। ये अच्छे से उबल गया है, अच्छे से पक गया है। इसको बिल्कुल थोड़े से पानी में उबाले थे, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा है। इसको अच्छे से छान लिए हैं। इसका पानी पूरा निकल गया है। अब हम इसका बीज हटा देंगे, निकाल देंगे बीज को। देखिए इस तरह से ये आसानी से निकल रहा है, इतना पक गया है ये। इसको इस तरह से निकाल देंगे, इसका बीज हटा देंगे इस तरह से। देखिए इसका बीज एकदम आसानी से निकल रहा है। इस तरह से सबका बीज निकाल लिए हैं। ये 1 केजी आंवला लिए थे, इसको उबाल लिए थे। अब हम इसको ठंडा करके मिक्सी जार में लेकर इसको पीस लेंगे। इसका बिना पानी का इसको पीसेंगे, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ज़्यादा आंवला है इसलिए 2 बार करके पीसेंगे इसको। इस तरह से सबको पीस लेंगे। बिना पानी का पीसना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें। अब इसको निकाल लेते हैं और बचे हुए आमले को पीस लेते हैं। एक कढ़ाई में सबको निकाल लिए हैं। अब इसको हम पका लेंगे, 3 से 4 मिनट तक इसको इस तरह से पका लेंगे। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट इसको इस तरह से पका लेंगे। पकाते हुए 4 मिनट हो गया है। अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। 1 केजी आंवला लिए हैं तो 1 केजी गुड़ भी डालेंगे इसमें। आंवले के नमी से ये गुड़ पिघल जाएगा बिल्कुल। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको धीरे धीरे पकाना है। ये गुड़ अपने आप ही पिघल जाएगा। देखिए गुड़ पिघल रहा है, अभी अच्छे से नहीं पिघला है ये गुड़। इसको इसी तरह पकाते रहना है। गुड़ पिघल गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले मिक्स कर देते हैं। आधा चम्मच अजवाइन है, कोट कर लिए हैं, इसको डाल देंगे।
भुना हुआ जीरा लिए हैं एक चम्मच, इसको भी डाल देंगे। और काली मिर्च पाउडर लिए हैं आधा चम्मच, इसको भी डाल देंगे। काला नमक लिए हैं आधा चम्मच, इसको डाल देते हैं। आधा चम्मच सिंधा नमक लिए हैं, इसको डाल देते हैं इसमें और मिक्स कर लेते हैं। आधा चम्मच हींग लिए हैं, इसको डाल देंगे। सबको मिक्स कर देंगे। एक चम्मच सौंठ का पाउडर लिए हैं, इसको डाल देंगे और सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। आंवला थोड़ा कसैला होता है, इसको बैलेंस करने के लिए दो चम्मच आमचूर पाउडर लिए हैं, इसको डाल देंगे इसमें और मिक्स कर देंगे। और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे। आधा नींबू का रस डाल देंगे इसमें। और इसको अच्छे से पका लेंगे। इसको पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं, ये तैयार हो गए हैं। इसको अब हम बंद कर देते हैं और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसका बनाएंगे इसको। गैस को बंद कर देते हैं। ये आंवला हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसका कैंडी बना लेते हैं इस तरह से। पहले इसमें पिसा हुआ चीनी लिए हैं, इसको हाथ में लगा लेते हैं। पानी से बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह से लेकर चीनी में ही लेकर इस तरह से पिसा हुआ चीनी से इस तरह से गोला बना लेंगे। इस तरह से सबको बनाते जाएंगे। आप जिस साइज में बनाना चाहते हैं उस साइज में बनाइए इसको। छोटा बड़ा जैसा मर्जी बना सकते हैं। इसको कितना दिन भी स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से सबको बना लेंगे। सबको बना लेते हैं। ये सारे कैंडी बनकर तैयार हो गए हैं। इसको 1 साल तक भी स्टोर कर सकते हैं। इसको कांच के बर्तन में रखिए, ये कुछ नहीं होगा, ये अच्छा रहता है एकदम। अगर ये रेसिपी हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।